पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। शुभेंदु रॉय सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता के पार्टी छोड़ने के बाद अब टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने तारापीठ विकास परिषद से इस्तीफा दे दिया है। बीरभूम की सांसद रही शताब्दी ने अभी कुछ देर पहले ही इस्तीफा सौंपा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शताब्दी आज या कल में दिल्ली जा सकती है। वहीं सूत्रों के अनुसार शताब्दी बीजेपी का दामन थाम सकती है, जो वाकई में टीएमसी समेत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसको लेकर राज्य में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी की करीबी और टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय का इस्तीफा देना और साथ ही बीजेपी में शामिल होना टीएमसी के लिए बड़ी बात होगी। इससे पहले टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी से अपनी नाराजगी को बयां किया था। अभिनेत्री से नेता बनी रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मैं पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखाई दे रही हूं। मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो नहीं चाहते कि मैं आप सबके साथ रहूं। अक्सर मुझे कार्यक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया जाता, मैं क्या कर सकती हूं। शताब्दी रॉय ने मतदाताओं के नाम संदेश में लिखा था कि उन्हें पार्टी के कुछ लोगों द्वारा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। शताब्दी रॉय फैन क्लब नाम के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई निर्णय लेती हूं तो मैं ऐसे 16 जनवरी को 2 बजे घोषित करूंगी। मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूं, यहां तक कि दुश्मन भी इसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए इस नए साल में मैं एक निर्णय लेने की कोशिश कर रही हूं, ताकि मैं आपके साथ पूरी तरह से रह सकूं। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शताब्दी रॉय बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। बीते कुछ दिनों से टीएमसी द्वारा उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश को लेकर वो काफी परेशान हैं। इससे पहले शताब्दी रॉय ने साल 2009 में टीएमसी के टिकट पर बीरभूम से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। बाद में वो साल 2014 और 19 में भी इसी सीट से चुनाव जीती। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।